हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक मैथ का ट्रिक्स लाया हूँ जो मैथ में अभी परसेंटेज पे आपको बनाना है क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ और क्वेश्चन आपको हल में कर देता हूँ, ठीक है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, 100%, 105% और 150%, 125%। इसमें आपको क्वेश्चन बना कर बताना होगा कि आपको कौन सा आंसर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि कौन सा आंसर है, ठीक है। मैं चलता हूँ टॉपिक पे, ठीक है। टॉपिक से चलने से पहले दोस्त मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मैं चलता हूँ, प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। हाँ दोस्त, चलते हैं। देखिए, एक मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, इस फॉर्मूला का आपको देखना होगा। 2x+x² 100%, ठीक है। इसी पे आपको बनाना होगा इक्वल टू, ठीक है। हाँ देखिए, 2x, तो एक्स की जगह पर 50 हो गया, मानते हैं, देखिए 50%, ठीक है। तो 2×50+, ठीक है, कॉस्ट एक्स, एक्स हो गया आपका 50, तो 50 का स्क्वायर, सौ, ठीक है, 50%। हाँ, या तो आप इसे तोड़ भी सकते हैं, जैसे इक्वल टू 2×50+, ऐसे ऐसे 50+50 100%, ऐसे भी आप बना सकते हैं, चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों में से आप कोई भी बना उतार सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे सिंपल यही है, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, इक्वल टू, ठीक है, 50 × 100 हो गया, और प्लस कितना कितना 50 25 200 हो गया, 2500/100, सही बेटा, 100%, ठीक है, 50% हो गया, इक्वल टू, इसको काट देना है, 0 0 0 आ गया आपका 25, ठीक है। 100+25, ठीक है, इक्वल टू 125, 100+25 125%, ये आपका 4 आंसर हुआ। जो कि मैंने बताया कि यहाँ पे 4 आंसर, 125% आया। इसमें देखिए, एक दिए एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत की जाए, ठीक है। तो इसमें मान आपको बिठा लेना है, ये मान उसे सबसे आसान है, बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, जोड़ घटा करके आपको बिठा देना है और पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा 125%, ठीक है। थैंक यू दोस्त, मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इतना तो मेरा बनता है दोस्त, ठीक है, थैंक यू।